नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों एप्पल ऑर्चर्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी बागवान भाइयों का स्वागत करता हूं तो आज हम आपके साथ एक नए वीडियो शेयर करने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रूट थिनिंग फ्रूट थिनिंग उसका क्या रोल रहता है हमारे फ्रूट डेवलपमेंट में फ्रूट साइज में किस तरह से अपनी फ्रूट क्वालिटी को एनहेंस कर रहे फ्रूट थिनिंग से तो बागवान भाइयों फ्रूट सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है थिनिंग का रोल यहाँ पर जो है काफ़ी अहम रहता है तो जो फ्रूट थीनिंग आप फ्रूट सेट के पाँच छः दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं मई लास्ट तक या पीनट साइज तक के उससे थोड़ा लेट भी चल पड़ेगा अगर आपको रिटर्न ब्लूम चाहिए और अगली साल की क्रॉप भी चाहिए तो यहाँ आज कल का उपयुक्त समय है फ्रूट थीनिंग का तो बागवान भाइयों हम जो प्रेफर करते हैं फ्रूट थिनिंग मैनुअली करते हैं तो एक सबसे अच्छा तरीका यह है फ्रूट थीनिंग करने का जो हम मैनुअली प्रेफर करते हैं फ्रूट थीनिंग तो कई फार्मर जो है न, केमिकल से भी फ्रूट थीनिंग करते हैं जो केमिकल से करना चाहते हैं पीजीआर जो आपको एन डबल ए बाज़ार में प्लानफिक्स नाम से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा तो उसको आप 50 चास, चार से साठ एम पर ड्रम उसकी स्प्रे करते हैं जिससे कि एक अच्छी थीनिंग होती है तो उसको आप फ्रूट सेट से फ्रूट सेट के बाद 10 से 15 दिन के बीच में आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं तो भागवान भाइयों अच्छा रहेगा जितना अगर आप मैनुअली थिनिंग करते हैं बट तो टाइम कंज्यूमिंग इसमें है बट इसके रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे हमें लगे फ्रूट क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए तो तो जिस साल हमारे ऑन ईयर रहता है तो बहुत ज़्यादा क्रॉप हमारे बगीचे में लगती है तो अगले साल जो है ऑफ ईयर रहता है तो से बहुत कम लगते हैं फ्रूट थिनिंग से जो है आपका कुछ हद हाँ तक ऑन ईयर और ऑफ ईयर की जो समस्याएँ कम हो जाती है अगर फ्रूट थिनिंग के एडवांटेज देखे जाए तो फ्रूट क्वालिटी और फ्रूट साइजिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं इससे जो है हमारे फ्रूट को न्यूट्रेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं जिससे कि फ्रूट साइज़ और फ्रूट क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है तो भगवान भाइयों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम फ्रूट थिनिंग किस तरह से आप कर सकते हैं तो चलिए तो बागवान भाई आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं फ्रूट सेटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने फ्रूट थीरिंग जो किस प्रकार से करनी है तो जो ये बीच सेंटर का जो दाना है आप देख सकते हैं बहुत से बागवानों में यह मिथ्या रहती है कि किंग ब्लूम किसको बोला जाता है बागवान भाई हो किंग ब्लूम ये होता है आप जो सबसे पहले फ्लावरिंग के टाइम जो खिलता है इसको बोला जाता है किंग ब्लूम जो सबसे हेल्थी फ्रूट होता है किंग ब्लूम इसको हमने रखना होता है ये किंग ब्लूम जो सबसे हेल्थी फ्रूट साइज़ और क्वालिटी इस फ्रूट में बनती है भागवान भाइयों जो अरे परे के इसको आप जो है हाथ से भी तोड़ सकते हैं कैंची की मदद से भी इसको काट सकते हैं जैसा कि आप ये देख सकते हैं दो इसमें ड्रॉपिंग है और इसको हम तोड़ देंगे ये जो है आपका सिंगल फ्रूट बचेगा इसका बेनिफिट देखिए भागवान भाइयों जो आपके जो है पांच फ्रूट है पांच में पांच में से पांचों यहाँ सक्सेस थे क्योंकि पांच जो एनर्जी इसको जानी थी पांचों ही ले रहे हैं क्योंकि जब जो चार की एनर्जी सिंगल में जाएगी और साइज अच्छा बनेगा और क्वालिटी अच्छी बनेगी दूसरी चीज़ आपने एक, एक, एक बात ध्यान में रखनी है तो जब आपने प्लग करना है जब थिनिंग करनी है तो नीचे से आपने नहीं तोड़ना जैसे इस तरह से आपने नहीं तोड़ना है नीचे से तो ऊपर से उसको प्लग कर क्योंकि जब नीचे से जब आप तोड़ते हैं तो वहाँ एक घाव पर पड़ पर जाता है तो सकिंग पेस्ट वहाँ चूसने आ जाती है फंगस एंटर कर जाती है वहाँ पर जिससे कि आपके दो बीमे जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो बिक रह जाएंगे जैसे कि आप यहाँ देखिए इसको आप इस तरह से तोड़ दें अब ये सिंगल रूट रह रहा है ये देखिए भगवान भाइयों किंग ब्लूम सबसे हेल्थी फ्रूट इसको आप इस तरह से तोड़ दें कोशिश ये रखनी बागवान भाइयों एक या दो फ्रूट ही रखें कि जून भी ड्रॉप हो जाता है कि दो फ्रूट तो आप रख सकते हैं एक चलो एक भी आप रख सकते हैं जो किंग ब्लूम बागवान भाइयों ये है किंग ब्लूम इसको आप तोड़ सकते हैं इससे जो आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा भी अच्छा बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा जो जो पांच फ्रूट की जो एनर्जी है इस सिंगल फ्रूट में जाएगी और साइज़ और क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनेगी और पूरे में इसमें कलर आ जाएगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसको ऊपर से आपने प्लग करना है सिंगल फ्रूट को रहे इस तरह से अपने इसको प्लग करना है डंडी समेत तो अपने इसको नहीं तोड़ना भगवान भाइयों इस तरह से आप सिंगल फ्रूट रख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं क्रॉप काफ़ी बम्पर है इस बार काफ़ी कई जगह से ऐसी अच्छी अच्छी रिपोर्टें आ रही है कि क्रॉप एक्सेसिव है एक ऑन नियर और ऑफ ईयर का फंडा जो है ऑन ऑनियर बागवान भाइयों ईयर उसको बोला जाएगा जिस साल आपके ऑर्चर्ड में एक्सेस क्रॉप है और ऑफियर उसको बोला जाएगा जिस साल आपके क्रॉप थोड़ी कम है इस तरह से आपने तोड़ना है सिंगल फ्रूट सिंगल फ्रूट का आपने टारगेट करना सिंगल या डबल भी आप रख सकते हैं इस तरह से